कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल ब्लैक गेमिंग पे। तो गाइस यार, आज हम लोग यार वापस से खेलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट 5 की सर्वाइवल सीरीज। और गाइस यार, तुम्हें याद होगा कि जो हमारा लास्ट एपिसोड था ये वाली सर्वाइवल सीरीज का, उसके अंदर में भाई हमने जो है बनाया था अपने लिए एक बहुत ही बड़ा शीप फार्म, ताकि भाई हमें वहाँ से खूब सारी वूल वगैरह मिल सके। और भाई वहाँ से भाई आज हम लोग जाने वाले हैं एंशिएंट डेब्रिस की माइनिंग करने, यानी कि फुल्ली नेदरराइट आर्मर बनाने की आज हम लोग तैयारी कर लेंगे। और भाई बना ही लेंगे यार, क्या पूरा आर्मरी बना लेंगे भाई आज। और भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज की वीडियो में, तो भाई वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से करना। तो भाई चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो गाइस यहाँ जो है अपने सारे शीप फार्म से जो जितनी वूल थी वो सारी लेके आ चुका हूँ। और गाइस यहाँ जितनी वूल मिल सकती थी सारी मेरे पास अभी इस टाइम पे है। और भाई देखो यहाँ मेरे पास खूब सारी वूल है। और देखो भाई मेरे दिमाग में पता है क्या प्लान है इस टाइम, कि भाई देखो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी शल्कर बॉक्स तो नहीं है, तो यहाँ मैं जो हूँ सारी वूल को अपनी एंडर चेस्ट में डाल देता हूँ। और भाई मैंने यहाँ पे वूल भी साथ में रखी है, ताकि भाई मैं जो हूँ अपने साथ साथ में बेड बना के वहाँ पे ब्लास्ट करके जो है माइनिंग वगैरह कर सकूँ और एंशिएंट डेब्रिस को ढूंढ सकूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई यहाँ पे क्रीपर फार्म नहीं है जिससे भाई मैं यहाँ TNT वगैरह बना सकूँ। इसलिए ये मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन लगा। और मेरे पास यहाँ ऑलरेडी एक और भाई चेस्ट है भाई एंडर चेस्ट, तो भाई हम लोग उसे भी लेके वहाँ पे जा पाएंगे। तो भाई चलो यार फटाफट से फटाफट निकल जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? पता नहीं। तो गाइस यहाँ मैं नेदर के अंदर में तो आ चुका हूँ। और गाइस देखो यहाँ मैं जो हूँ अब भाई स्टेयर तरीके से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया हूँ, यानी कि स्टेयर बना बना के, क्योंकि तो यहाँ मेरे को जाना पड़ेगा वाई एक्सिस के भाई 15 कोऑर्डिनेट्स पे, ताकि भाई मेरे को वहाँ पे जो है एंशिएंट डेब्रिस मिल सके। और भाई देखो अगर भाई हम लोग 15 से जरा सा भी ऊपर रहेंगे तो भाई हमें यहाँ पे जो है एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलने वाला। और भाई अभी मैं हूँ भाई 71 पे, तो भाई मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है नीचे जाने के लिए। तो फटाफट से भाई मैं इस पार्ट को तुम्हारे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि तुम लोग बोर ना हो और मैं भी बोर ना हूँ। तो गाइस सर फाइनली मैं जो हूँ आ चुका हूँ भाई वाई एक्सिस के लेवल 15 पे। और भाई देखो यहाँ पे अब भाई हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस सर आज फाइनली मैं अपनी पिकैक्स का यूज़ करने वाला हूँ। देखो अभी फुल हेल्थ में है, और भाई मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है मेरे को यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस मिलने में। बस यार इतना हो कि मेरे को आज में मिल जाए, क्योंकि मैं नेदरराइट का आर्मर बनाना चाहता हूँ यार, मैं सही में बनाना चाहता हूँ। और भाई देखो आज की वीडियो का जो हम लोग लाइक गोल रख रहे हैं वो है पूरे के पूरे भाई 180 लाइक्स, देखते कंप्लीट हो भी पाता है या फिर नहीं। तो भाई देखो फटाफट से कंप्लीट करा दो यार, तुम लोग क्या भरोसे में हूँ भाई, तुम लोग नहीं कराते हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो प्लीज़ करा देना। और भाई यहाँ भाई देख रहे हो कहीं ग्लिच हो रहे हैं मेरी गेम में, तो भाई चलो इन सबको इग्नोर मारते हैं और करते हैं थोड़ी तेज़ी से सारा का सारा काम। तो गाइस यहाँ मैं देखो अभी थोड़ा आगे आ चुका हूँ, तो भाई मेरे को लगता है कि अब मुझे यहाँ पर जो अपनी एंडर चेस्ट को प्लेस कर देना चाहिए। तो क्या देखो हमने खूब सारा माइंड कर लिया, भाई अब टाइम है बेड को ब्लास्ट करके एंशिएंट डेब्रिस को यहाँ पे उठाने का। तो भाई देखो यहाँ मैं देखो कितना मस्त तरीके से अपना दिमाग लगाया, और यहाँ मेरे को देखो बस सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, और यहाँ मेरे को बेड क्राफ्ट करके बस इन्हें ब्लास्ट करते जाना है। और भाई अगर मेरे पास खत्म भी होंगे तो मैं वापस में आ पाऊँगा इस जगह पर, अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर स्ट्रेट डिक करने वाला हूँ, मतलब स्ट्रेट लाइन में, ताकि भाई एक पूरा पाथ रेडी हो जाए। बाय चांस अगर भाई हम लोग ज़्यादा आगे निकल भी जाते हैं तो भाई हम लोग भाई एक ही डायरेक्शन में चलते चलते इस वाली चेस्ट के पास में वापस आ पाएंगे। तो देखो यहाँ पे अभी सारा काम तो हो चुका है, तो फटाफट से यहाँ मैं कुछ बैट्स वगैरह बनाता हूँ, और भाई उन सबको बना के जो है हम लोग एक एक करके ब्लास्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ देखो मेरे पास अभी इतने ही बेड आ पाए हैं, और भाई देखो अब इनको एक बार हम लोग ब्लास्ट करके भी एक बार चेकआउट करते हैं। और थोड़ा आगे से जाके चेकआउट करूँगा, क्योंकि देखो भाई यहाँ मेरे पास बेड खूब सारे और भाई डैमेज बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ अपनी इन्वेंट्री को मैंने मैनेज पूरी तरीके से कर लिया, भाई अब एक एक करके सारे बेड को ब्लास्ट करेंगे, और यहाँ पे XP भी हमें भाई मिल सकती है। तो यहाँ एक बेड प्लेस करा भाई, इसको भी मेरे को लगाने पड़ेंगे अब थोड़े बहुत स्टोन या कॉबल स्टोन। तो यहाँ मैं ड्रिप स्टोन का मतलब यूज़ कर रहा हूँ डीप स्लेट का, और भाई ये गलती से लगा दिया, भाई क्या ही नूपंती करता हूँ भाई मैं। तो फटाफट से ब्लास्ट करते हैं खड़े होकर, और भाई साहब कर दिया है। और भाई एंशिएंट डेब्रिस मिला कि नहीं? ओ भाई साहब मिल चुका है, देखो भाई पहले ही राउंड में हमें यहाँ पे इतना सारा एंशिएंट डेब्रिस मिल गया, शायद ये 2 से 3 पीस होंगे। तो एक बार यहाँ की आग वगैरह मैं बुझा लेता हूँ, क्योंकि देखो एंशिएंट डेब्रिस अपने को चाहिए। और भाई देखो पहले ही हिट में यहाँ एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है हमारे लिए। तो भाई देखो एक तो ये रहा, तो फटाफट से पहले इसे उठाते हैं। भाई शुरुआत के एंशिएंट डेब्रिस बड़े ओपी लगते हैं, और भाई यार मेरे को नहीं पता, हो सकता है थोड़ा बहुत हमें आगे जाके टाइम लगे। और भाई देखो इस टाइम ना ये जो मेरा गेम ग्लिच मार रहा है, तो इसको जरा इग्नोर मारना। और भाई यहाँ यार लिटरली खूब ज्यादा मिल गए भाई, एक तो यहाँ मैंने तोड़ा, भाई देखो तुम्हें ऊपर अगर ध्यान दिया हो तो ऊपर ही यहाँ पे दोनों को मैं दिखाता हूँ जरा, ये सारी आग बुझा लूँ, क्योंकि आग पे अगर पैर रख दे तो भाई ये हमें बुझा देगी आग। और भाई यहाँ देखो सारी आग बुझा दी भाई, अब इतने काफी रहेगी शायद से। और भाई देखो वहाँ पे 2 पीस और हैं, तो फटाफट से हम लोग उन्हें भी यहाँ पे तोड़ लेते हैं।
तो गाइस यार देखो यहाँ मेरे को मेरे दो एंशिएंट डायमंड्स वाले तो मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। और भाई देखो उसको उठा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ देखो भाई टोटल तीन एंशिएंट डायमंड्स हमारे हो चुके हैं, एक हमें कॉर्नर में, भाई दो हमें ऊपर मिले। तो भाई देखो अब यहाँ पे मैं थोड़े बहुत और बेड भी बनाता जाऊँगा, और भाई अब बस यार हमें बस यही सारा काम रिपीट करते जाना है और एंशिएंट डायमंड्स को लेते जाना है। तो भाई चलो मैं तुम सबको दिखाता हूँ एक छोटा सा टाइम स्टैम्प मज़ेदार वाला ये सारे एंशिएंट डायमंड्स लेते हुए, क्योंकि यार इनमें लिटरली खूब सारा टाइम भी लगने वाला है। तो गाइजर देखो यहाँ मैंने भाई इतने सारे बेड फोड़ दिया, भाई लगता नहीं मुझे यहाँ पे भी एंशिएंट डायमंड्स मिला होगा। भाई बस शुरुआत में तीन एंशिएंट डायमंड्स मिले भाई, उसके बाद तो एंशिएंट डायमंड्स दिखाई नहीं मेरे को। तो यहाँ पे भी भाई देखो मेरे को लगता है इस बार मेरे को मिला है, तो भाई देखो मेरे को लग रहा है कि यहाँ मेरे को और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। पर गाइज यार हम लोग हार नहीं मानेंगे, भाई ढूंढते रहेंगे बस। भाई तुम लोग मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक ज़रूर से करना, और भाई मैं जानता हूँ मेरे को एंशिएंट डायमंड्स ज़रूर मिलेंगे। तो गाइजर देखो यहाँ में भाई एक एंशिएंट डायमंड्स भाई लाइट में ही मिल गया। और गाइजर देखो मैं इस तरीके से स्ट्रिप माइन करते करते ही जा रहा हूँ, और भाई देखो पता नहीं क्या ही ग्लिच हुआ, देखो अब जाके टूटा है और मेरी इन्वेंट्री फुल पड़ी है। तो भाई यहाँ मेरे को हटाना पड़ेगा, देखो एक एंशिएंट डायमंड्स मुझे फाइनली मिला, और भाई देखो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ में एक तो कम से कम मिल गया। और भाई देखो हमें को वापस से इसी तरीके से बार बार बेड फोड़ने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि हमें कितने टाइम में और एंशिएंट डायमंड्स मिलते हैं। गाइस देखो मैं भाई फाइनली एंशिएंट डायमंड्स अब मिल ही गया, और भाई फटाफट से हम लोग इसे यहाँ पे उठा लेते हैं। और भाई यहाँ पे जो मुझे एक नहीं मुझे दो दो मिले हैं, तो भाई देखो एक तो यहाँ मैंने तोड़ दिया, और भाई ये इसके पीछे भी था क्या? और भाई देखो उसके पीछे हमें एक और मिल गया, मतलब कि भाई तीन तीन हो गए। तो भाई यहाँ पे भाई इसके ऊपर भी एक है इसकी छत पे, तो फटाफट से भाई उसे भी उठा लेते हैं। और भाई किस तरफ गया वो, भाई पीछे की तरफ निकल गया क्या? और यार था तो सही वहां पे। नेक्स्ट मॉर्निंग तो गाइस लिटरली यार यहाँ पे मेरे को दो घंटे हो चुके भाई माइन करते करते। और भाई यहाँ जो है मैं दूसरी बार बेड बना के लेके आया हूँ भाई वापस से। और भाई जितने मेरे पुराने एंशिएंट डायमंड्स थे वो सारे तो भाई अपनी चेस्ट में रख के आ गए अंडर चेस्ट में। और गाइस यार यहाँ मेरे को अभी देखो 15 एंशिएंट डायमंड्स अभी इस टाइम मेरे पास हैं, और गाइस यार 20 में रख के आ चुका हूँ अपनी चेस्ट के अंदर में। तो भाई टोटल अभी 35 मेरे पास एंशिएंट डायमंड्स हो चुके हैं। और गाइस यार यहाँ मेरे को दो तीन और मिल जाए ना, तो भाई यहाँ जो है अपना पूरा आर्मर का सेट कंप्लीट कर पाऊंगा एकदम मस्त तरीके से, और यही मेरा प्लान है। तो भाई इन्हें फटाफट ढूंढते हैं और निकलते हैं घर की तरफ को। तो गाइस फाइनली लगभग यार 2.5 घंटे की मेहनत के बाद में भाई यार हमारे यहाँ पे सारे एंशिएंट डायमंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो भाई देखो यहाँ अपने घर पे भी आ चुका हूँ, और यार फटाफट से भाई यहाँ के बहुत ज़्यादा मस्त भी लग रहा है मेरे को। तो फटाफट से नीचे उतरते हैं, और भाई फटाफट से ना पहले हम जाएंगे अपने भाई यहाँ पर नीचे, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो खूब सारे बेड हैं तो वो सारे यहाँ जो है अपने ट्रेडिंग हॉल पर लगाने वाला हूँ। तो पहले मैं ये सारा काम करूँगा, और यहाँ देखो भाई सारे एंशिएंट डायमंड्स ऐसे मैं उठाने भी वाला, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। पहले देखो यहाँ नीचे चलते हैं, और फटाफट जितने बेड हैं सारे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ताकि भाई यहाँ पे और भी आ जाए भाई विलेजर हमारे, और भाई यहाँ भाई उनसे और भी ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह कर सकें। तो फटाफट से यहाँ मैं लगा देता हूँ। और गाइस यार ये डिस्पॉन होते हैं, तुम्हें पता है क्या भाई मेरे वर्ल्ड में डिस्पॉन होते हैं, और मैंने बार बार स्पॉन करता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई। इनको इतना ज़्यादा ब्रीड कराना पड़ता है तब जाके ये स्पॉन होते हैं। तो गाइस यार यहाँ सारे के सारे बेड तो मैंने लगा दिया भाई, देखो यहाँ इनका कार्यक्रम भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई इस सबको तुम लोग इग्नोर मारते हैं, और पहले ना फटाफट से जाके अपने पूरे आर्मर को रिपेयर करते हैं डायमंड्स की मदद से, जो कि यार मैं भाई पहले ही लेके सारा प्रिपेयर हो गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि जब भाई हम लोग अपना नेदरराइट का आर्मर बनाएंगे तो हमें यहाँ पे जो अपने आर्मर की फुल हेल्थ चाहिए होगी। तो फटाफट से ऊपर चलते हैं, अपने आर्मर को पूरा जो है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे पूरा मतलब रिपेयर, और भाई उसके बाद जो है यहाँ पे एंशिएंट डायमंड्स से कर देंगे नेदरराइट का आर्मर वगैरह रिपेयर करने के बाद में। तो गाइस अब फाइनली यार हम लोग जो है यहाँ पे अपने जो है नेदरराइट के इंगट्स बना पाएंगे, और भाई यहाँ मैं बना लेता हूँ जितने बन पाएंगे उतने सारे बना लेंगे। और भाई देखो पूरी कैलकुलेशन सही थी, और यहाँ भाई पहला नेदरराइट का ब्लॉक भी हम लोग बना सकते हैं। बीकन के लिए पर यार हम इतने अमीर नहीं है भाई, हम गरीब है यार, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, और अपने आर्मर को फुल्ली कवर करेंगे अब नेदरराइट में। और भाई यही भाई ये हमारा भाई इस वाले मतलब सर्वाइवल सीरीज का बहुत ही बड़ा काम यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे फटाफट से करते हैं हेलमेट को। और तुम लोग एक चीज़ नोटिस करना भाई, ये सारा जैसे भाई यहाँ पे नेदरराइट में कन्वर्ट होता है ना भाई, इसके लुक भी बदल जाते हैं हर चीज़ के। और यहाँ भाई मैं अपनी देखो पिकैक्स को भी करने वाला हूँ फुल हेल्थ का, कर लिया है सब।
और भाई यहाँ मैंने हर चीज़ को लगभग फुल हेल्थ कर लिया है और भाई एकदम ओपी हो चुका है सारा काम। दो यहाँ पे अभी भी बच चुके हैं तो भाई यहाँ पे इनको लोग बाद में यूज़ कर लेंगे। और बाकी यार मैंने पता है इस टाइम पहले इन्हें रिपेयर क्यों कर लिया था अपने आर्मर को, क्योंकि यार बाद में अब मैं देखो मैंने कन्वर्ट कर लिया ना, तो भाई अब ये जो है भाई नेदरराइट इंगट की मदद से रिपेयर हो पाएंगे ना कि डायमंड से, इसलिए भाई ताकि मेरा खर्चा कम हो इसलिए मैंने इन्हें पहले रिपेयर कर लिया। और भाई फाइनली हम लोग जो है पूरी तरह से अब कवर हो चुके हैं नेदरराइट में। तो गाइस यार बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही भाई, तुम सबको वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से आके वीडियो को लाइक करो। और गाइस देखो अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो फटाफट से नीचे जाके लिख दो नेदरराइट ओपी भाई, फटाफट से कमेंट कर दो भाई, जो जो कमेंट करेगा उसे मैं शाउट आउट देने वाला हूँ। और बात रही कि मैंने इस वाली वीडियो में शाउट आउट क्यों नहीं देखा, भाई किसी ने मेरी लास्ट वीडियो पूरी देखी नहीं तो उसे मैंने शाउट आउट भी नहीं दिया। तो भाई अगर तुम लोग कमेंट करोगे, अगर तुमने देखी यहाँ तक तो कमेंट करो भाई, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, तुम्हें शाउट आउट मिलेगा। और भाई बाकी ये देखो इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे फॉलो करो और सेकंड चैनल को भी जाके सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।